हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो ऑफ मैथ्स। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 आपको क्या दिया है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड देम। अब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि इसकी इक्वेशन हम क्या बनाए। आइए देखते हैं कि इसकी इक्वेशन क्या बनेंगी। लेट द लार्जर एंगल बी एक्स, लार्जर एंगल को हमने मान लिया x, तो स्मॉलर क्या होगा? y। स्मॉलर एंगल हो गया हमारा y। इसने बोला था सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। मींस कितना हो जाएगा ये? x प्लस y इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। ये तो हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी कि उसने बोला लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो जो x है वो स्मॉलर वाले से कितना ज्यादा है? 18 ज्यादा है। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। इस x की वैल्यू को फर्स्ट वाले में पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल टू y प्लस 18 इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा? y प्लस 18 प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 10 में से 8 गया तो 2, ये आ गया आपका 62, 162, y is equals to 2 8 16, 81 डिग्री। y कितना आ गया? 81। और x कितना आ जाएगा? x is equals to y plus 18, 81 plus 18 आ गया आपका 99 और 81 डिग्री। मान लार्जर एंगल आ गया 99 और स्मॉलर आ गया 81। नोट कर लीजिए गाइस, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 समझ आ गया होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल स्कूल्स कॉलेज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज हिट द बेल आइकन ताकि आप सबको मेरी मैथ्स और साइंस की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।